नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल एरर्स के एक और नए एपिसोड में। और आज हम जानेंगे कि हमने कौन सा फिल्टर मंगाया है अपने एक्वेरियम के लिए। वैसे तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, पर फिर भी आज हम आपको इसके अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे और साथ ही में साथ इसकी एक एक डिटेल आपको बताएंगे, जिसके बाद आप आसानी से जान पाएंगे कि ये आपके एक्वेरियम के लिए सही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये है वो प्रोडक्ट जो हमने मंगाया, और बॉक्स की कंडीशन देखें तो कुछ खास हमें लगी नहीं। और वो अक्सर होता ही है जब अमेजोन से या किसी भी कुरियर से कोई सामान आता है। तो अब हम इसके देखते हैं कि इसके अंदर प्रोडक्ट कैसा है। तो फटाफट हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये है वो फिल्टर और इसको हम जल्दी से आपको दिखाते हैं। इसकी प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक इसकी वाकई में बहुत अच्छी क्वालिटी की है, और तो प्रोडक्ट इसमें कोई कमी नहीं है। सैमसंग कंपनी का ये है और मॉडल नंबर है ये HBL303। और अब इसके बाकी चीज़ भी देख लेते हैं। ये इसमें दो पैड आते हैं जिसके अंदर एक्टिवेटेड कार्बन है, वो भी बहुत कम मात्रा में। तो ये दो आते हैं इसमें, और बाकी ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। वैसे इसको इंस्टॉल करना कुछ खास मुश्किल नहीं है, तो इसको हम साइड में रखते हैं। बाकी ये जो एक और इसमें चीज़ है, ये इसमें खास ज़रूरी है ताकि आपके इसमें जो फिल्टर है वो इसमें सिदाई में रहे। तो इसको अभी हम आपको दिखाएंगे कि हम इसको कैसे लगाएंगे। तो नीचे लगाने के बाद इसको आप अपने एक्वेरियम के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें दोस्तों ये दो पाइप आते हैं इसमें, एक जो मोटर के ऊपर लगाया जाएगा और एक नीचे, जिससे इसमें पानी फिल्टर के अंदर जा सके। और ये एक मोटर है जो इसमें 3 वाट की होती है। और अब हम इसको आपको पूरा इंस्टॉल करके आपको बताते हैं कि कैसे इंस्टॉल होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हम इसको तैयार कर चुके हैं और इसमें काफ़ी जगह बाकी है जिसमें आप अगर इसमें सेरेमिक रिंग या एक्टिवेट कार्बन या और कुछ इसमें ऐड करना चाहते तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी हमारे पास फ़िलहाल वो नहीं है, पर हम जल्दी इसमें वो भी ऐड करके आपको दिखाएंगे। दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप अपने एक्वेरियम में कौन सा फ़िल्टर फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं और उसका साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अभी हम आपको इसके बारे में कुछ और चीज़ें बताते हैं। जैसे कि नीचे ये जो आप पाइप का हिस्सा देख रहे हैं, इसमें से पानी अंदर जाएगा, और आप ऊपर देख सकते हैं कि ऊपर बिल्कुल इसमें बंद है, जिससे अगर आपकी कोई छोटी फिशेस है तो वो भी अंदर जाने से इसमें बच जाती है। और अब हम आपको इसका पूरा साइज बताते हैं।
ये कुछ 17 सेंटीमीटर का है और लंबाई आप देख सकते हैं इधर से, सॉरी इसकी ऊंचाई तो ये 14 सेंटीमीटर के कुछ है। और अब हम इसको आपको दिखा देते हैं कि एक्रम में ये टंगने के बाद उसमें कितनी जगह का आपको इसमें कवर में गैप रखना पड़ेगा, तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो अब आप इसी प्लास्टिक के हिस्से को आगे इसमें घुमा देंगे अपने एक्रम के गैप के अनुसार, जिससे ये उसमें सही तरह से सीधा सीधा फिट हो सके, और फिर कुछ इस तरह से आप इसको लगा देंगे। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें करीब ये 3 सेंटीमीटर का ये इसमें स्पेस चाहिए। और अगर आपके पास ऐसा एक्वेरियम है जिसके ऊपर ऐसे ग्लास का, तो आप उसमें आसानी से कटर कर सकते हैं या उसको अपने हिसाब से साइज में बना सकते हैं। और अब हम आपको दिखाएंगे कि इसका सामने से लुक कैसा दिखता है। तो दोस्तों अब हम आपको इसका लुक दिखाते हैं कि इसने पानी कैसा साफ कर रखा है। और इसको लगाए हुए मुझे करीब 2 दिन हो चुके हैं, क्योंकि पहले जो वीडियो का आखिर का हिस्सा था वो किसी वजह से इसमें ख़राब हो गया था, तो मैं इसको दोबारा से शूट कर रहा हूँ। और अब आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा इसमें साफ कर रहा है। और इसमें जो नीचे की तरफ आप इसमें स्पंज देख रहे हैं, वो मेरे पहले पावर फिल्टर का स्पंज है जो मैंने इसमें नीचे ऐड कर दिया। तो अब अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो वो आप भी ऐड कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। हमें आशा है कि ये आपको बहुत पसंद आई होगी। पर फिर भी अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है हमारे लिए, तो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और हमें ज़रूर बताइए कि आप अगली बार किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, हम जल्द से जल्द उस पर वीडियो ज़रूर लाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे एक और ऐसी वीडियो के साथ। जब तक आप और आपका परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय राधे कृष्णा।